विद्यार्थियों, अब तक जो हमने अव्ययीभाव समास में सिद्धियां पढ़ी थी, वह एक सूत्र था हमारा अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वाला, जो 16 अर्थों में वर्तमान जो अव्यय होते हैं उनका समास करता है। और अब हम अव्ययीभाव का दूसरा सूत्र पढ़ेंगे, नदीभिश्च। देखिए कौन सा सूत्र है, नदीभिश्च, यह सूत्र है विद्यार्थियों। और यह सूत्र क्या कहता है, देखिए क्या अर्थ है इसका, कि संख्यावाची सुवंत नदीवाचक सुवंतों के साथ, क्या है, संख्यावाची सुवंत नदीवाची सुवंतों के साथ, संख्यावाची सुवंत नदीवाची सुवंतों के साथ अव्ययीभाव समास को प्राप्त होता है। प्राप्त होने का मतलब क्या है विद्यार्थियों, यानी इसमें अव्ययीभाव समास हो जाएगा, यानी संख्यावाची का नदीवाची के साथ। जैसे आपने पढ़े हैं द्वियमनम, सप्तगंगम, पंचगंगम, ये सब किसमें आते हैं, अगर नदीवाची से पहले अगर संख्या हो तो आप ये समझ जाएंगे कौन सा है, अव्ययीभाव समास है। अब देखिए, और यह समास समाहार अर्थ में ही इष्ट है, और यह समास समाहार अर्थ में ही इष्ट है। यह है विद्यार्थियों, इसका मतलब यह है, ये जो समास होगा वो किस में होगा, समाहार में होगा विद्यार्थियों। देखिए अब एक समास है पंच गंगम, ये है विद्यार्थियों, और इसका विग्रह है पंचानाम गंगानाम समाहारः। अगर ऐसा कोई मिल जाए विद्यार्थियों जिसमें समाहार हो रहा हो तो आपको द्विगुण नहीं करना है, पीछे नदीवाचक हो पहले संख्यावाचक हो और समाहार हो तो कौन सा होगा, अव्ययीभाव समास। अब देखिए पंच नदम आदि जो अनेक उदाहरण हैं, जब आप इसका विग्रह करेंगे तो देखिए पंच क्योंकि षष्ठी है तो आम, और ये गंगा है प्लस आम, और आप सूत्र कौन सा लगाएंगे इसमें, नदीभिश्च से संख्या वाचक सुवंत का नदीवाचक सुवंत के साथ समास। और ये अव्ययीभाव क्यों हो जाता है, आपको पता है अधिकार है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है विद्यार्थियों, वही प्रक्रिया है जो आपने पहले की, आप पंच प्लस आम प्लस गंगा प्लस आम आप सूत्र लगा देंगे, कृतद्यत समासाश्च, सूत्र से समास की
प्रातिपदिक संज्ञा, फिर उसके बाद आप इनका लूप कर लेंगे और आपका हो जाएगा पंच प्लस गंगा, ठीक है विद्यार्थियों, और सूत्र लग जाएगा आपका कौन सा, सुपोधातु प्रातिपदिकयोः से सुप का लोप, ठीक है विद्यार्थियों। फिर पंच प्लस गंगा और सूत्र लग जाएगा, देखिए आपने पढ़े हुए हैं प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, अब देखिए ये जो सूत्र है इसमें ये बताया हुआ है संख्यावाचक का नदीवाचक के साथ समास होता है, तो आप क्या है संख्यावाचक है तो इसकी क्या हो जाएगी, आप लिखेंगे से पंच की उपसर्जन संज्ञा। और फिर विद्यार्थियों आप इसका पूर्व निपात कर लेंगे, पंच प्लस गंगा, गंगा ऐसे भी लिख सकते हैं, और सूत्र लिख देंगे आप उपसर्जनम पूर्वम से पंच का पूर्व प्रयोग करने पर। अब देखो आपको एक समस्या आएगी, आप सोचेंगे कि यहाँ तो पंच पहले ही है तो ये कैसे क्यों लिखा है कि भाई पंच का प्रयोग करने पर, तो ये इसलिए लिखा जाता है विद्यार्थियों कि जो सूत्र लिखा गया है वह सूत्र अपना काम करता है, क्योंकि ये पहले है तो कोई दिक्कत नहीं, पहले है फिर भी ये सूत्र लगेगा और उसका पहले प्रयोग कहना पड़ेगा, ठीक है विद्यार्थियों। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, अब देखिए अब आप क्या करेंगे इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, एक गलती हो गई है विद्यार्थियों, ये जो शब्द है आपको पूरा पंचन करके लिखना है विद्यार्थियों, जितना बार मैंने अब तक लिखा है पंच लिख दिया था, आपको पंचन लिखना है। अब देखिए आप पंचन प्लस गंगा, ठीक है, और ये जो है एक सूत्र है अव्ययी भावश्च सूत्र से अव्ययी भाव समास के नपुंसक संज्ञा। अब नपुंसक संज्ञा जब कर लेंगे विद्यार्थियों तो इस गंगा को गंग कर देंगे, पंच प्लस गंग, और सूत्र लग जाएगा ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिकस्य से प्रातिपदिक को
ह्रस्व अंत आदेश करने पर, अंतादेश का मतलब होता है अंतिम वर्ण को ह्रस्व करने पर। अब देखिए यहाँ आपको पंचन ही लिखना है। अब इस पंचन के ना का लूप कर देंगे और ये हो जाएगा पंच प्लस गंग, और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों न लोप प्राते पदकांतस्य से नकार का लोप हो गया विद्यार्थियों, नकार का लोप हो जाएगा। आपको पूरे में यहाँ से पहले जितना भी लिखेंगे आपको पंचन प्लस गंगा ही लिखना है विद्यार्थियों, ठीक है। अब देखिए ये पंच गंग हो गया और सूत्र लगा लेंगे आप कृत तद्धित समासाश्च से समास की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए विद्यार्थियों इस पंचगंग के बाद जैसे आपने उपकृष्णम किया है, आपको मैं समझा देता हूँ, वैसे ही आपको क्या करना है, सू लाएंगे। सूत्र आपको पता है, सू को क्या कर लेंगे आप अम कर लेंगे अम, और अमी पूर्व से हो जाएगा आपका पंच गंगम। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, और इसके बाद जितनी भर सिद्धियां हैं अव्यय भाव समास की, आप एक अव्यय भाव समास कर लेना अगर आपको संतुष्टि नहीं हो तो अव्यय भाव समास की जितनी भर सिद्धियां हैं विद्यार्थियों, उन सिद्धियों की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उस लिंक पर जाओगे तो आप सीधे टेलीग्राम पर पहुँच जाएंगे और आपकी जो सिद्धियाँ हैं संपूर्ण जो अव्यय भाव समास की सिद्धियाँ हैं उसमें मिल जाएंगी। ठीक है विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।